हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आज के एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं देने वाला हूं माइनक्राफ्ट का 1.17.2.01 का लेटेस्ट वर्जन वाला गेम, जो कि एंड्रॉयड के लिए होगा, जो कि पॉकेट एडिशन है। और अभी आप जानते हैं कि माइनक्राफ्ट जो गेम है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडिया के अंदर। 2021 में जो इसका बेसिकली पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत सारे इंडियंस इस गेम को प्ले कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्ट्रीमर्स भी हैं जो इस गेम को प्ले कर रहे हैं ऑन स्ट्रीमिंग। और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि बहुत कम समय में इस गेम को खेल के और बहुत ज़्यादा ग्रो हो जा रहे हैं। सो मैं मानता हूँ कि अभी यूट्यूब पे हर एक बंदा गेम प्ले को देख करके ये ज़रूर सोचता होगा कि हमको भी माइनक्राफ्ट खेलना है। तो बेसिकली एक बहुत अच्छी बात ये है इस गेम की कि ये जो गेम है वो सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। लेकिन मैं उन सभी प्लेटफॉर्म में आज मोबाइल डिवाइसेस की बात करने वाला हूँ जहाँ पे आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर, आप अपने मोबाइल डिवाइसेस के अंदर इस गेम को प्ले कर पाओगे। और क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आप प्ले कर पाओगे, किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है और किस तरीके से हमको जो है गेम प्ले करना है, सो वो सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई नो काफ़ी लोगों को चाहिए होगा माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन ऑन एंड्रॉयड, काफ़ी लोग चाहते हैं, बट काफ़ी लोगों को कोई ना कोई इशू आ जाता है। कोई को प्ले स्टोर में पैड मिलता है और कोई अगर फ्री में डाउनलोड भी कर लेता है तो उसमें कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, या फिर वो चलता नहीं, या फिर वो क्रैच हो जाता है, या वो बहुत ज़्यादा लैग करता है, या फिर उसमें मल्टीप्लेयर नहीं खेल पाते। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, इस एपीके में आप सब कुछ खेल पाओगे, मल्टीप्लेयर, क्रिएटिव, सर्वाइवल, ऑफलाइन, अपना वर्ल्ड क्रिएट करके मोड इंस्टॉल करना चाहो वो कर सकते हो, सभी चीज़ें आप करने वाले हो और वो भी बहुत ही कम साइज़ की MB की एपीके के अंदर। जो भी प्रोसेस रहेगा इस वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि सभी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही कॉन्टेंट्स मैं अपने चैनल पर डेली अपलोड करता रहता हूँ, प्लस लाइव स्ट्रीम भी करता रहता हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट आपको होने वाला है इस चैनल से। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एंड लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन। सो गाइस, सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन, ठीक है। ये जो फाइल होगी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद, एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद आपसे ये पूछेगा पासवर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड क्या डालना है वो यहाँ पे ध्यान से देखना। पासवर्ड आपको स्मॉल में डालना है, बाय सैफ्रॉन, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से देख लो, पासवर्ड होगा बाय सैफ्रॉन, वो भी स्मॉल के अंदर, ठीक है। और अच्छे से एक बार देख लेना ताकि बाद में इशू ना आए, ठीक है। ये पासवर्ड डालने के बाद ओके करो, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको APK मिलेगी, ठीक है। अब मैंने आपको डायरेक्ट APK नहीं दी क्योंकि डायरेक्ट APK में बहुत इश्यूज होते हैं। ये आपको ऐसे APK मिल जाएगी, सिंपल इसको इंस्टॉल कर लो एंड यहाँ पे आप देखोगे तो। और पुराना वर्जन अगर आपके पास है माइनक्राफ्ट का तो उसको आप डिलीट कर देना और ये वाला इंस्टॉल करना, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो माइनक्राफ्ट इंस्टॉलिंग लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। और मैं बता दूँ कि मेरा लो एंड डिवाइस है, उसके बाद भी ये गेम बहुत अच्छे से चलने वाला है, आप खुद देखना, क्योंकि सभी डिवाइस में ये गेम वर्क करने वाला है। मैं ओपन गेम करता हूँ, ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा लोडिंग स्क्रीन आएगा एंड लोडिंग स्क्रीन फिनिश हो जाने के बाद एज यू कैन सी यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो गेम है यहाँ पे ओपन हो चुका है और बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन ये गेम आपके सामने है यार, ठीक है। आप देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन वाला गेम आपके सामने इंस्टॉल हो चुका है और कोई भी लाइक कुछ भी फैक्ट ट्रिक नहीं है, ये एकदम रियल है, आप लेटेस्ट वर्जन खेल पाओगे। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे प्ले एंड अचीवमेंट्स का, तो सबसे पहले तो मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा ताकि मैं आपको इसकी सेटिंग्स बता दूँ, बेसिकली क्या क्या सेटिंग्स है इसकी। सो सेटिंग के ऊपर क्लिक किया एंड ये थोड़ा सा लोडिंग स्क्रीन लेगा, तो लोडिंग स्क्रीन लेने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी सेटिंग्स आ चुकी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप इसकी वीडियो सेटिंग सेट कर सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल सेट कर सकते हो और A to Z जितनी भी सेटिंग्स है वो सब कुछ यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखोगे मैं ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने मिल रही है। यहाँ पे आप अपनी लाइक ग्राफिक सेटिंग सही कर सकते हो जिससे कि आप अपना गेम का लैग कम कर सकते हो एंड यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली ये जो रेंडर है, रेंडर डिस्टेंस, इसको थोड़ा कम कर दो क्योंकि ये लो एंड डिवाइस के लिए ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। अगर आपका फ़ोन ज़्यादा हाई नहीं है तो आप इसको थोड़ा कम कर दो, आपका गेम बहुत अच्छे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने सेटिंग तो सेट कर ली है एंड अब यहाँ पे मैं अपना गेम चालू करता हूँ, ठीक है। सो प्ले के बटन पर क्लिक करो, प्ले के बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं, वर्ल्ड, फ्रेंड्स और सर्वर्स, ठीक है।
बेसिकली मैं आपको एक जो है क्रिएट न्यू वर्ल्ड बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर ही। एंड हाँ ओके, यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ एंड अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें आ जाएगी। तो आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू वर्ल्ड, आप यहाँ पे देखोगे एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करने के बाद, जैसे कि एक सेकेंड, ओके चलो, क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे आपका लोडिंग स्क्रीन आ जाएगा। तो लोडिंग स्क्रीन आने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो वर्ल्ड का नेम यहाँ पे आपको लिखने को बोल रहा है। वर्ल्ड का नेम आप यहाँ से लिख के कंटिन्यू कर सकते हो। पहले तो मैं यहाँ पे क्रिएटिव कर दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे बेसिकली मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ वर्ल्ड के नेम के अंदर, सैफ्रॉन, ओके चलो। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो डिफ़िकल्टी नॉर्मल रखेंगे और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नीचे आने के बाद देख रहे होंगे, ओके बाकी सब कुछ सही है। एंड यहाँ पे आप सीट भी डाल सकते हो और ओके चलो, ओके कंप्लीट है। देन यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करो। क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका थोड़ा सा लोडिंग दिखा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो लोडिंग रिसोर्सेज पैक्स दिखा रहा है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा क्योंकि आप अपना नया वर्ल्ड बना रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बोलेगा प्रोसेस ऑनलाइन प्लेज नॉट रिलेटेड, ओके नेट चालू कर रखा है इसलिए बोल रहा है, चलो कोई नहीं। प्रोसेस के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पे लिखा रहा है बिल्डिंग, ओके बिल्ड हो रहा है, चलो 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 चलो। बिल्ड हो जाने के बाद में लेट्स गो गाइस। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो गेम है वहाँ पे फाइनली चालू हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने हमारा एक नया वर्ल्ड क्रिएट किया है जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी खुद अपने आप को दिखा सकते हो और अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो। एंड यहाँ पे बेसिकली मैंने पोस्ट कर दिया है, ओके रिज्यूम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो गेम है वो चालू हो चुका है बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के और बिल्कुल माइनक्राफ्ट, एकदम रियल माइनक्राफ्ट, बिल्कुल लेटेस्ट माइनक्राफ्ट आपको देखने मिल रहा है। काफ़ी सारी जो भी नई नई चीज़ें आई है इस अपडेट के अंदर, वो सभी चीज़ें आपको इस अपडेट के अंदर देखने मिल जाएगी इस गेम के अंदर आप खेलते जाओगे तो धीरे धीरे। एंड मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा औसम ये जो गेम है होने वाला है, काफ़ी समझो ना, काफ़ी सर्च करने के बाद में मुझे ये एपीके मिली है। सो फाइनली अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़े से कंट्रोल्स होते हैं जिनको समझना होता है, हालांकि मैं कभी फ़ोन पे नहीं खेलता, मैं सभी गेम्स को पीसी पे प्ले करता हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं ये फ़ोन पे खेल रहा हूँ। आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि फ़ोन के लिए माइनक्राफ्ट लाओ और मैंने सोचा कि माइनक्राफ्ट फ़ोन वालों के लिए भी लाना चाहिए, पॉकेट एडिशन। और ये पॉकेट एडिशन ओनली मोबाइल के लिए ही वर्क करता है, पीसी के लिए वर्क नहीं करता। और साथ में पीसी का जो जावा एडिशन होता है वो भी फ़ोन के अंदर वर्क करता है, लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस होता है। तो अगर आप बोलोगे मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, और अगर आप चाहते हो कि माइनक्राफ्ट के ऊपर कुछ मॉड्स की वीडियो भी बनाऊं मैं, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आगे आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे ऐसी वीडियोस चाहिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और कोई भी अगर इश्यू आता है तो मैं बैठा हूँ, आप मुझे बोल सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड बाय।